हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि सैमसंग के बहुत सारे मॉडल्स के जो हम FRP ओडिन के द्वारे खोल सकते हैं, मतलब ओडिन जिससे हम सैमसंग फ्लैश करते हैं उससे हम बहुत सारे फ़ोन का जो FRP खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अपने सर के शॉप में था तो उनके साथ में वो वीडियो बना रहा था, तो उधर में थोड़ा मुझे कुछ मिस्टेक में मतलब बताने के लिए थोड़ा मिस्टेक हुआ। वैसे किया तो सेम टू सेम हूँ, और मेरा जो क्या है, मेरा किसी फ्रेंड के फ़ोन से वो वीडियो बन रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, कॉल आने का टाइम में एक दो बार वीडियो कट हो गया था। ठीक है, वीडियो चलते रहते मतलब कट हो गया, तो मैं वीडियो को काट काट के ज्वाइन किया हूँ, और आप और मैं उसमें प्रूफ भी दिया हूँ कि मतलब पूरी डिटेल से बताया हूँ कि कहाँ से आपको फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ से क्या क्या करना है, और कौन कौन से मॉडल के जो आप उससे FRP कर सकते हैं। उसमें मैंने उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसको आप उस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको उस वीडियो के बारे में सब कुछ समझ में आएगा, और आप बहुत सारे सैमसंग के बहुत सारे मॉडल के जो हैं FRP बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं, वो भी ओडिन से। आपको कहीं से भी कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वो कम से कम 1 से 2 MB की फाइल होगी, और मैं J2 का किया हूँ, सिर्फ उससे 100% वर्किंग। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि मैं J2 का किया हूँ, अदर्स मैं अभी तक तो कोई ट्राई नहीं किया। अगर बाई चांस अदर्स कोई मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं डेफिनेटली उसमें ट्राई करके देखूँगा। तो वीडियो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मैं बहुत ही जल्दी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर लाने वाला हूँ, जैसे MI हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया। आपको किसी बॉक्स का लेने का ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन से, नहीं तो मैं आपको ऐसा टूल दूंगा जिससे आप वो सभी लॉक खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक J2 का मोबाइल है, ठीक है, इसमें FRP लॉक है। ये जो फ़ोन से हम जो वीडियो बनाते हैं ना, वो परफेक्टली आता नहीं है। देखिए यहाँ पे FRP लॉक है, तो हम इसको ओडिन से करेंगे। ओडिन से करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको एक फ्लैशिंग लिंक दे दूंगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे रहेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड करके रखा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे सिंपली मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप जैसे मेरे लिंक पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको 5 सेकंड का ऐड आएगा। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ को ऊपर से स्किप का ऑप्शन रहेगा, स्किप करना है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मोज़िला फाइल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आपके पास 5 सेकंड के ऐड खत्म हो जाएगा, स्किप करेंगे तो आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे, और ये ज़्यादा 1 MB भी नहीं लगेगा, इसमें 1 MB का ही फाइल है। सिंपल इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, डाउनलोड का फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में आपको देखो ये ऐसा फ्लैश रीसेट फ्रीमियर का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्या करना है, आपको पहले RR फाइल मिलेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्ट्रैक कर लेना है। स्ट्रैक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर में जाके इसमें देखो बहुत सारा मॉडल है, आप इतने सारे मॉडल का जो है FRP निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने सारे मॉडल है। देखिए इसमें सभी मॉडल लिखा हुआ है कि आप इसमें से कौन कौन सा मॉडल का जो है FRP निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सभी लिखा हुआ है। ठीक है, ये IC का नाम भी यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, इस IC का नाम है सैमसंग, ये देख सकते हैं यहाँ पे IC का नाम है। ठीक है, ये IC का नाम मतलब इस फाइल के द्वारा से आप इतने मॉडल को जो है मतलब इस सॉरी यहाँ पे कुछ आ गया मतलब इस फाइल से ये वाला फाइल से आप इतना सारा जो है FRP कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को अभी जस्ट दिखाया, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ वर्ल्ड पैड में फिर से। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मॉडल का आप जो है FRP यहाँ से कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे में एक है मॉडल्स करके, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए आप जो है इस फाइल से जो कोइल कम जो यहाँ पे लिखा है कोइल कम, ये इसका फाइल है। ठीक है, इसका फाइल है, तो इसमें से आप क्या क्या जो FRP निकाल सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वन बाय वन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा फाइल का जो FRP कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने अभी करके एक J2 का मोबाइल है उसका जो FRP मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, इतना फाइल का जो है आप FRP कर सकते हैं ये दो फाइल से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो है स्ट्रैक कर लेना है। स्ट्रैक करने के बाद में आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास तो सबसे पहले फ्रीमियर फाइल आएगा, स्ट्रैक करने के बाद में ऐसा आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से ओडिन फाइल को ओपन कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ से ओडिन है, ओडिन को मैं यहाँ से रेड मिनिस्टर पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद में यहाँ पे
यस करता हूँ, ये ओपन हो गया। यहाँ पे एपी में आपको सेलेक्ट करना है। एपी में मैं जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे ये वाला, क्योंकि मेरा इसमें लिखा हुआ था J2। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि यहाँ पे हो गया फीमेयर, यहाँ पे हो गया फीमेयर, इसके अंदर गया और इसका इसका जो फाइल ये है और क्वालकॉम का फाइल मॉडल्स है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके विथ ओपन नोट पैड में मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्क जो है वो खुल नहीं रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा कि J2 जो है 00G, ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो J2 00G, ठीक है। इसका जो FRP इससे खुल जाएगा। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, ओडिन में चला जाता हूँ। ओडिन में जाने के बाद में एपी में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मेरे को इस पे मिला था J2 00G का जो FRP इससे खुलेगा, क्वालकॉम का दूसरा था, ठीक है, मॉडल्स में है क्वालकॉम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, आपका फ़ोन को जो है डाउनलोड मोड पे लेके आना है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो स्किप का ऑप्शन है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप स्किप का ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसको डाउनलोड मोड पे लेके आ जाता हूँ। सबसे पहले डाउनलोड मोड पे लेके आने के लिए आपको होम की, वॉल्यूम डाउन की और पावर बटन की एक साथ में दबाना है। इसके बाद में आ गया हमारा डाउनलोड मोड, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि आपका FRP जो है, हमारा जो FRP है वो ऑन है, देख सकते हैं FRP ऑन है। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको जो डाटा केबल में कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक बार देख लीजिए ओडिन का सामने, क्योंकि आप बोलेंगे बाद में फेक वीडियो, आपने कोई दूसरा फ़ोन कनेक्ट किया है। सॉरी, ये कनेक्ट नहीं लिया, फिर से इसको एक बार डिसकनेक्ट करता हूँ और आप लोगों के सामने इसको कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट ले नहीं रहा है शायद, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो दोस्तों इसका जो है चार्जिंग पिन का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका जो चार्जिंग पिन है वो चेंज कर दिया, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं ले रहा था, ठीक है। आप लोगों के सामने हम लोग ट्राई कर रहे थे, जो देख सकते हैं इसके FRP ऑन है, ठीक है, आपको शायद अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके FRP जो ऑन है। हमको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे भी देखते रहिए, आपको सिंबल आएगा। मैं आप लोगों के सामने इसको कनेक्ट करता हूँ, वीडियो जो है अच्छा से क्लियर से नहीं बन रहा है। लाइट तो ऑफ कर दिलेगा, कहाँ है इसका हॉल यार, क्लिक करो तार ऊपर। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, देखिए इट ओपन ना। हाँ ठीक है जी, अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो गया, ठीक है। बाद में बोलिएगा नहीं यार, क्योंकि आपने दूसरा कोई फ़ोन कनेक्ट कर लिया, क्योंकि इसके आसपास में कोई फ़ोन नहीं है लैपटॉप के आसपास में। मैं एक बार लाइट जला लेता हूँ, लाइट ऑफ कर दिया था मैंने, देख सकते हैं, ठीक है, एक ही फ़ोन है। बाद में आप सोचना नहीं कि दूसरा फ़ोन किसी ने कनेक्ट कर दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड मोड में कनेक्ट करने के बाद में आपको सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। देख सकते हैं आप लोग फ़ोन को भी देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे ये डाटा रिपेंडिंग होगा, फ़ोन रीसेट होगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी नहीं करना है, रीसेट होगा, ऑन हो गया। अभी मैं जो इसका है डाटा रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद में देख सकते हैं, डाटा रिमूव करने के बाद में फ़ोन ऑन हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अभी हम इसका देखते हैं कि जो इसके FRP है वो गया कि नहीं गया, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। मेरे ये 100% वर्किंग है दोस्तों, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा J2 में ट्राई किया हूँ, ठीक है। और इस दोस्तों ये जो 100% वर्किंग है, और आपको इस टूल का कोई पैसा भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, ठीक है, एकदम फ्री है। और मैं आप लोगों के पास में बहुत जल्दी MI, वीवो और ओप्पो का जो है फ्लैश FRP टूल लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। उसके पीछे मेरा काम चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों के सामने उसको अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो 100% सक्सेस होना चाहिए, कोई फेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं उसके ऊपर अभी भी काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी वो जो टूल मैं बना चुका हूँ कि आप लोगों के लिए प्रूफ, मतलब वो काम करता है सच में या नहीं, इसके लिए मैं उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों जो इसका जो FRP है वो खुल गया। मैं फ़ोन में कोई कॉल आ गया था, इसके लिए वो वीडियो जो है सेंटर में बंद हो गया था, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं फ़ोन पूरी तरीके से ऑन है और इसका जो FRP है बिल्कुल हट चुका है।
दोस्तों बहुत आसानी है इसको हटाना। और आप लोगों का अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप लोगों का लाइक ही सब कुछ है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को और भी ज़्यादा हिम्मत मिलेगा कि मैं और भी थोड़ा वीडियो अच्छी तरीके से और भी बनाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।